ओसवाल प्रीमियम बासमती राइस इतने महके इतने खिले कि हर रिश्ते में खुशियाँ घुले। ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। टीकमगढ़ जिले के अल प्रवास पर आए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने प्रवास के दौरान हेलीपेड पर ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की और जनहित से जुड़ी योजनाओं के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी, विधायक टीकमगढ़ श्री राकेश गिरी गोस्वामी, विधायक खरगापुर श्री राहुल सिंह, जनप्रतिनिधि कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी, एसपी श्री प्रशांत खरे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी के साथ दोपहर 3:45 बजे हेलीकॉप्टर से छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा तहसील के ग्राम लिधौरा के लिए प्रस्थान किया। सीएम श्री चौहान लिधौरा में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और 4:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा लिधौरा हेलीपैड से रायसेन के लिए प्रस्थान करें। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा अंतर्गत आने वाले लिधौरा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कॉटन सिंचाई परियोजना सहित कई कार्य का लोकार्पण और शुभारंभ किया और भूमि पूजन किया। हमारे ब्यावरा के विधायक, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। वैसे 27 चुनाव भी जो रहा है, 27 की 27 सीटें थी। मुद्दे क्या रहेंगे सर? मुद्दे विकास का मुद्दा है, नेतृत्व का मुद्दा है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान एक नेतृत्व है, एक नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे। तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान चाहिए, कमलनाथ जैसे जिन्होंने मध्य प्रदेश को गर्त में लेकर के, ऐसे लोग चाहिए। अतिथि विद्वानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी जो करेगी। उसको गति देना प्रारंभ किया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कल ही 37 लाख ऐसे गरीब भाई और बहन जो राशन से वंचित थे, हमारी योजना थी उनको राशन देने की, कमलनाथ सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी। कल से 37 लाख ऐसे भाई बहनों को 1 रुपया किलो गेहूँ और 1 रुपया किलो नमक देना प्रारंभ किया जाएगा। माननीय मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, अध्यक्ष जी ने अभी बताया पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही। हम आंगनबाड़ियों में 17 तारीख को अति कुपोषित बच्चों को दूध का वितरण प्रारंभ कर रहे हैं और उसके साथ साथ लाडली लक्ष्मी योजना जो कांग्रेस ने बंद की थी उसका लाभ देना प्रारंभ कर रहे हैं। 18 तारीख को 20 लाख किसानों के खाते में 4,600 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के डाले जाएंगे। इसके बाद 19 तारीख को वनाधिकार के पट्टे वितरित किए जाएंगे। 20 तारीख को हमारे सभी भाई और बहनों को जो पात्रता रखते हैं हम संबल योजना का लाभ भी दे रहे हैं, अन्य बाकी योजनाओं का लगातार लाभ देने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अब जो सब चीज़ें कांग्रेस ने बंद कर दी थी वो फिर से हमने प्रारंभ की है और जनता का प्यार और आशीर्वाद। महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने मेडिकल कॉलेज के लिए पूरी राशि स्वीकृत की, लेकिन ये कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने मेडिकल कॉलेज रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। जो पैसा मैंने स्वीकृत किया था वो लैप्स कर दिया, वो पैसा खा गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सब बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने दीदी हमारे छतरपुर का मेडिकल कॉलेज निरस्त कर दिया, एक ईंट नहीं लगने दी। हमारी आईटीआई थी, आईटीआई को जो बच्चों में शायद बिल्डिंग गिर गई, अभी मुन्ना बता रहे थे वो आईटीआई बंद कर दी। अरे हमको नई नई सौगातें देते हैं और कांग्रेस की सरकार सौगातें छीनती है। आज से आज मैं पूछना चाहता हूँ, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, बताओ कमलनाथ को कभी आपने छतरपुर जिले में देखा क्या?